दो दिवसीय दौरे पर सीएम धामी पहुंचे हैं। रीठा साहिब में जोड़ मेले का शुभारंभ उनकी तरफ से किया गया है। रीठा साहिब में आपको बता दें कि सीएम ने मत्था भी टेका। कल चंपावत को कई योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा है। कल चंपावत को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री धामी देंगे और इससे पहले रीठा साहिब में मत्था भी टेकते हुए नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी के साथ जोड़ मेले का शुभारंभ यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। बड़ा मेला यहाँ पर लगता है हर वर्ष, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने मत्था टेककर रीठा साहिब में किया। इसी के साथ ये दो दिवसीय जो दौरा है मुख्यमंत्री का वो चंपावत का है, जहाँ पर चंपावत की जनता को कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री धामी के द्वारा दी जाएगी। और इससे पहले रीठा साहिब मुख्यमंत्री पहुंचे, मत्था उनकी तरफ से टेका गया है, साथ ही जोड़ मेले का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से रीठा साहिब में दर्शन किए गए, मत्था यहां पर टेका गया है और इसी के साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात चंपावत की जनता को भी मुख्यमंत्री धामी देंगे। कहा यह भी जा रहा है कि चंपावत को लेकर कई अहम प्रस्ताव जो लंबे समय से जनता की मांग थे, उन सभी को लेकर महत्वपूर्ण परियोजनाएं मुख्यमंत्री धामी की तरफ से चंपावत की जनता को दी जा सकती है। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिनेश भट्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, फिलहाल किस तरीके से मुख्यमंत्री धामी रीठा साहिब पहुंचे हैं, जोड़ मेले का शुभारंभ उनकी तरफ से किया गया है और क्या कार्यक्रम इन दो दिनों के दौरान मुख्यमंत्री धामी के रहेंगे? जी देखिए, जैसे कि पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जनपद के पार्टी ब्लॉक के रीठा साहिब गुरुद्वारे में जोड़ मेले के शुभारंभ में अवसर पर पहुंचे हैं। उन्होंने पार्टी ब्लॉक के रीठा साहिब जोड़ मेले का शुभारंभ किया है और वह दो दिवसीय दौरे के दौरान चंपावत जनपद में हैं और वह कल जो है तो चंपावत में उनका जो एक वर्ष का जो कार्यकाल चंपावत विधानसभा का हो रहा है वो पूरा हो रहा है, तो उसके सापेक्ष वह चंपावत जनपद में जनसंवाद कार्यक्रम भी करेंगे और वह अभी रीठा साहिब जोड़ मेले के शुभारंभ के बाद वहाँ लोगों को संवाद कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार की सौगात देंगे। अभी फिलहाल जोड़ मेले का शुभारंभ करने के बाद बाकी तैयारियां की जा रही है। जी बिल्कुल। और देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चंपावत की जनता को मुख्यमंत्री की तरफ से सौगातें दी जाएंगी। कौन कौन से महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं वो जनता की मांग के अनुरूप रखे जा सकते हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनकी तरफ से मुख्यमंत्री के द्वारा कल उनकी सौगातें जनता को दी जा सकती है? जी देखिए, कल चंपावत जनपद में मुख्यमंत्री के विधानसभा के एक साल कार्यकाल का पूरा हो रहा है, तो उसमें चंपावत जनपद के मुख्यालय गोरलचौड़ मैदान स्थित इस जनसंवाद कार्यक्रम का होना तय किया गया है, जिसको लेकर अभी से ही तैयारियां पूरी कर ली गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जनपद के विभिन्न पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर यहां की जनता को महत्वपूर्ण सौगात देंगे। जैसे कि पेयजल की समस्या यहां के लोगों को एक आम समस्या बनी हुई है गर्मियों के समय में, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा भी काफी गंभीर विषय है जो लगातार काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर पहाड़ की जो स्वास्थ्य की लगातार बदहाली को लेकर लोगों को मैदानी क्षेत्र का रुख करना पड़ता है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जनपद के लोगों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं, तो आम जनता में भी इस समय क्या कुछ उत्साह नजर आ रहा है मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर? जी अभी तो रीठा साहिब क्षेत्र में पहली बार ये जोड़ मेले के शुभारंभ में जैसे मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो यहाँ के लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि जोड़ मेले में देश विदेश से काफी बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्री यहाँ पहुंचते हैं। तीन दिवसीय जोड़ मेले का आयोजन रीठा साहिब के गुरुद्वारे में किया जाता है, जिसका आज 2 जून को शुभारंभ किया गया है और 3 जून को मुख्य मेले का आयोजन किया जाएगा और लोगों में काफी उत्साह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ने के बाद मुख्यमंत्री हैं और लोगों को काफी उम्मीद भी है कि क्षेत्र से जो कि यहाँ के जो काफी मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, काफी जो मुद्दे हैं तो वो दूरस्थ होंगे। जी चलिए, बिल्कुल देखना होगा मुख्यमंत्री की तरफ से और क्या कुछ जो सौगातें हैं वो चंपावत की जनता को देते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।